जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि अभी तक हमने पाया तो नहीं, अभी हमें मिला नहीं, यह हमें मिलना चाहिए, इसके लिए नम्रता हो कि हमें यह चीज़ मिलनी चाहिए, ये मन से इच्छा हो, ये शुद्ध इच्छा हो, तो क्यों ना हो जाए। लेकिन हम हिंदू हैं, हमें क्यों नहीं होने वाला, और हम मुसलमान हैं तो हमें क्यों नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ये आपके सर्टिफिकेट चलते नहीं है भगवान के दरबार में। आप कैसे इंसान हैं, ये पहली बात, और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा आत्म साक्षात्कार की है या नहीं। किसी भी धर्म के आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके अंदर शुद्ध इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब इन धर्मों के जो संस्थापक थे, उन्होंने यही कहा है, सबने यही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा का प्रकाश है उसे प्राप्त करें। ऐसे कौन से धर्म में नहीं कहा गया? सभी धर्म में एक ही बात कही कि आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। वो छोड़ करके हम आपसे बढ़िया और वो आपसे बढ़िया, ये करने से मैं देखती हूँ कि बड़ा अंतर आ गया है हम लोगों में और उन रशियन लोगों में। जो एक बार सहयोगी हो गए तो जम गए, बस कहना नहीं पड़ता उनको। दूसरी बात कहना पड़ती है बात कि जैसे ही सहयोग में आए, आज ही वहाँ सवेरे हुआ कि भाई ये बीमारियाँ ठीक हुई। सहयोग से होती है बीमारी ठीक, क्योंकि जो आपकी मूलाधार में बैठी हुई कुंडलिनी है वो जब जागृत होती है तो उससे सारे चक्र साफ हो जाते हैं और उसके कारण ही आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कैंसर वैंसर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई, इसमें कोई शक नहीं, ये बात सही। लेकिन जैसे ही ये बात पता होती है तो एक नहीं दस और लोगों को लेकर के आ गए, मंदिर माता जी इनको ठीक करें, इनकी बीमारी ठीक करें, एजेंसी ले लेते और लोग अपने, ऐसा ही है ना। अच्छा तो आपके भाई कमिश्नर है? हाँ है। चलिए हमारा एक काम करा दीजिए। फौरन दिमाग में ये बात आएगी हिंदुस्तानियों के, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जितने भी अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं सबकी पहले लिस्ट बन जाएगी कि चलो माता जी को लगाओ इसमें। हम बात कर रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर हो जाइए, आप अपने को देखिए, आप पहले डॉक्टर हो जाइए और फिर को सबको आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन सबको ठीक करके करना क्या है? अरे भाई, जिस दीप में प्रकाश आने ही नहीं वाला उसको ठीक करके करोगे भी क्या? भगवान भी सोचते हैं कि ये तो बेकार के हैं दीप, इनको काहे को ठीक करना। लेकिन आपको ये लगा रहता है कि चलो इनके करा लें, ये सहयोग से नहीं होने वाला। इससे आपको किसी प्रकार से भी कोई भी लाभ नहीं होने वाला। हाँ, दो चार लोग ठीक हो जाएंगे, हो सकता है कि उससे आपको लोग मानने लग जाएं, ये हो जाए वो जाए, पर उससे आपकी प्रगति नहीं हो सकती, आत्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो हमारे अंदर अनेक कुसंस्कार भरे हुए हैं वो जोर मारते हैं, उसे हमें समझ लेना चाहिए। जैसे किसी झूठे गुरु के यहाँ जा रहे हैं, अब माना कि वो 420 है, किसी तरह से हाथ घुमा के वो आपको सोने की चीज़ कोई देता है, पता हो गया, सबने कह दिया कि वो 420 है, पता होगा, पेपर में भी आ गया, सब दूर हो गया, तो भी उन्हीं के शरणागत चले। क्यों भाई? अरे भाई, इतने साल से कर रहे हैं, अब कैसे छोड़ेंगे?
जैसे कोई शराब पीते हैं ना, उसी तरह लोग गुरु के पीछे लगे रहते। अब समझ में कहा गया कि भाई झूठे गुरु के पीछे मत जाओ। तो वहाँ हम सहज भी कर लेते हैं और गुरु को भी रख लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि एक पैर मगर के मुंह में डालो और एक ना बोट में रखो और कहो कि हमें पार ले जाओ, आपके साथ वो मगर भी चलाएगा। ये हमारे अंदर दूसरी प्रवृत्ति कि जिस चीज को चिपके हुए हैं उसे हम छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ना है। यहां तक कि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं, अगर आपको ऊपर आना है तो आपको उस सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा और ऊपर आना पड़ेगा, जो कि अच्छी सीढ़ी है। जैसे धर्मातीत होना कहते हैं, धर्म से परे उठना। धर्म से परे उठने का मतलब ये नहीं कि आप धर्म को छोड़ते हैं, पर धर्म आपके अंदर इतना भिन जाता है कि आप अधर्म करते ही नहीं, ऐसा वो अपने अंदर भिन जाता है। आपको याद रखना नहीं पड़ता, आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि ये धर्म है या अधर्म है, या किसी पंडित को जाके पूछना नहीं पड़ता भाई ये धर्म है कि नहीं, आप जानते हैं धर्म क्या है। दूसरे कालातीत होना, इतने आसानी से ये लोग हो जाते हैं, मेरा आश्चर्य लगता है कि जो हाथ हर समय हाथ में घड़ी बांधे रहते हैं वो कालातीत हो जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हो पाते। अभी कितना बज रहा है? हाँ, तो ये चाय पीने का वक्त है, इस वक्त चाय मिलनी चाहिए, चाय कुछ हो जाए, नहीं मिलेगी तो सिर फुटबल हो जाएगा। औरतों का भी यही हाल है और सबका यही हाल है कि इस समय से ये काम होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हमारे शरीर को इतनी आदतें लग गई हैं कि वो उसी वक्त होना चाहिए, वही समय में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हम खत्म। खासकर आदमी लोग तो घड़ी के गुलामी हो गए हिंदुस्तान में, मुझे लगता है घड़ी की गुलामी करते करते अब ये हालत हो गई है कि वो अपने रहे नहीं। तो मनुष्य काल से परे चला जाए, काल उसके चरण छूता है, जिस वक्त वो जहां खड़ा हो जाए वही काल है। ये दशा आप सबकी बिल्कुल होने वाली है, आ जाएगी, लेकिन ऐसी ऐसी हमारे अंदर संस्कारों से भरी हुई चीजें। एक छोटी सी बात है कि सिनेमा वालों ने एक संतोषी माता चला दी, इसके बड़े अनुभव आते हैं, खासकर आपके दिल्ली शहर में तो औरतें बड़ी संतोषी माता को पूछती हैं और वो पार नहीं होती, क्योंकि संतोषी करके कोई माता ही नहीं है। अरे जो स्वयं संतोष है वो संतोषी कैसे होगी? अब सिनेमा वालों ने चला दी तो हो गई संतोषी माता। अज्ञान की भी हमारे यहाँ कभी परिसीमा हो जाती कि ये सिनेमा वाले क्या देवी बना सकते हैं क्या? ये चीज इसी प्रकार अनेक तरह की अजीब अजीब चीजें, इसका उपास करो, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन उपास करिए। जिस दिन जन्म होता है तो आप क्या सूतक कर रहे हैं क्या? उस दिन काय को उपास करने का? भगवान के नाम पे तो उपास करना ही नहीं चाहिए। वो क्या चाहते आप उपास करें? अब किसी से कह रहे उपास करने की जरूरत नहीं? अरे माँ मैं इतने साल से उपास कर रही हूँ, काय को करे भाई? अगर किसी को नाराज करना हो खासकर माँ को तो उपास करो। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें हमारे अंदर भरी है, वो चाहे आप किसी भी धर्म के हो जाए। अब ये धर्म का उपकार क्या अनुपकार कहूं मैं कि जिसके कारण लोग पार ही नहीं होते। तरह तरह की अजीब सजीब बातें हमारे अंदर घुस पड़ी। जब हम इस हालत में हैं अभी, उसी वक्त विदेश से अब उनका भी मारा आ रहा है, वो भी अपने कपड़े शपड़े लेकर के पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ बिकते नहीं हैं, वहाँ रिसेशन आ गया। तो मेजर साहब आए थे बेचने के लिए यहाँ कि तुम बेवकूफ़ हिंदुस्तानी तुम लोग खरीदो, अब उनके कपड़े पहनो, उनके जैसे हो जाओ, फिर जाओ डिस्को में, वहाँ शराब पियो, ये करो वो करो, वाह 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 वाह, बहुत हम लोग मॉडर्न होने जा रहे हैं। सो इधर से ना निकले तो उधर चले,
अगर माँ बाप ये सब धंधे करते हैं तो बच्चे डिस्को में जाते हैं। और दूसरों से कोई चीज लेने, फॉरेन की चीज लेने में हम लोग सोचते हैं बड़ी महत्ता। साहब मैं फॉरेन में बहुत साल रही हूँ और घूमी हूँ, मुझे तो वहाँ सिवाय कागज के सिवाय और तो कोई चीज दिखाई नहीं दी जो अपने से अच्छी बनाते। सच्ची बात है, वहाँ से लेने क्या चीज़ है, नायलॉन लेंगे कि कागज लेंगे आप, वहाँ से कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है? ठीक है एक रेडियो ले लिया, समझ लो टेलीविजन एक बार ले लिया, फिर उसके बाद फॉरेन की चीज़ अपने को इतनी अच्छी क्यों लगती है, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। एक दिन ऐसी बात थी कि हमारे पति के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सा प्रेजेंट ले आओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। तो मैं खादी भंडार में गई, वहाँ हाथी दांत का एक बड़ा सुंदर हितोपदेश श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ सहित बना हुआ था, वो मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद मैंने सोचा इस पे लपेटे क्या, तो वहाँ पर कुछ अजीब सजीब पुट्ठे की चीज़ें थी, उनका भाई इसका ये डब्बा है। मैंने कहा भाई ये डब्बा तो चलेगा नहीं, वो तो ज़रा अंग्रेजियत वाले साहब हैं। तो मैं भटकी, बहुत भटकी कि अच्छा कागज़ मिल जाए तो कहीं कागज़ अच्छा मिला ही नहीं। मैंने कहा अब क्या करें, फिर जैसा भी मिला वो कागज़ लपेट करके मैंने उन्हें दिया। कागज़ देख के साहब चौंके, हमारे साहब भी चौंके कि ये क्या कागज़ है। मैंने कहा भाई देखो कागज़ तुम खोल के देख लो, ये हिंदुस्तान है, अच्छा कागज़ नहीं बनता। जैसे ही खोला उनकी आंखें निकल आई। मैंने कहा ये मेरा भारतवर्ष है, यहाँ एक से एक बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये फालतू की चीज़ हम लोग बनाते नहीं अच्छी। अब वो तो छोड़िए, अब उनकी संस्कृति हम लेने लगे। इनकी संस्कृति क्या है, सत्यानाश हो रहा है उनका, ये भी समझ लीजिए उनका सत्यानाश हो रहा है, उनकी कोई फैमिली सिस्टम नहीं रह गई। हम भी उनसे सीख रहे हैं, उनके सिनेमा देखेंगे मियाँ बीवी झगड़ेंगे और कुछ नहीं। आश्चर्य की बात है कि इंग्लिश भाषा में कोई सा भी कोई सी भी ऐसी नॉवेल नहीं है, कादंबरी नहीं है कि जिसमें पति पत्नी का प्रेम दिखाया हो। वो शादी से पहले ही दिखाते, उसके बाद कहते कुछ नहीं। एक भी किताब नहीं, क्या आप विश्वास करते हैं इस इंग्लिश भाषा पर, जो कि हमारी कुटुंब व्यवस्था को ही ठोस पहुंचाए, उसी को ठिकाने लगा दें। ऐसी संस्कृति के आप मुरीद हैं। दूसरे ये के और भी संस्कृतियां हमारे अंदर गलत सलत आ गई, जिससे मर्द लोग बहुत ज्यादती करते हैं औरतों पे। अब औरतें अमेरिकन अगर हो जाए तो आदमियों का भी ठिकाना हो जाएगा, सब टंगे नजर आएंगे। तो इसकी तरफ भी हमारी रुझान क्यों है, मेरी समझ नहीं आती। जो हमारे देश की संस्कृति है बहुत ऊंची संस्कृति है, उसको आप हिंदू कहिए कुछ कहिए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो सब में है। किसी भी धर्म का आदमी होगा यहाँ उस संस्कृति को मानता है, उसका भी हमारे ऊपर एक आघात चला आ रहा है। अजीब सजीब कपड़े, अभी मैं रास्ते में देख रही थी लड़कियां अजीब सजीब कपड़े पहने घूम रही, आदमियों जैसे कपड़े औरतों ने पहने, औरतों जैसे कपड़े आदमियों ने पहने, कुछ समझ नहीं आ रहा था आदमी कौन है औरत कौन। और माँ बाप कुछ मना नहीं करते, कुछ कहते नहीं, कुछ उनकी ओर ध्यान ही नहीं। इस तरह के लोग सहज में नहीं उतर सकते। आपको आश्चर्य होगा सबसे कम सहज में लोग अमेरिका के हैं, सबसे कम। उसकी वजह ऊट पटांग लोग हैं, उनके अंदर संस्कृति कहाँ से आए। अभी अभी तो वो बेचारे 200 वर्ष पूर्व वो एक देश बने, लेकिन हम तो
अनादि है, हमारे यहां क्या नहीं हुआ। सहज भी चीज हमारे ही भारतवर्ष की, इसी देश में, इसी भारतवर्ष में सहयोग हजारों वर्षों से लोग करते आए। फर्क इतना ही था कि पहले एक गुरु को एक ही शिष्य होता था, करते 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 12वीं शताब्दी में फैलने लग गया और 16वीं शताब्दी में आप जानते ही हैं सब ने इसकी बात करी, सहज समाधि लागो नानक साहब ने कह दी। कबीर ने कहा ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, कोई जानता भी नहीं इसका मतलब। कैसे कैसे लोग हो गए 16वीं शताब्दी में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो पंजाब में हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में, वो सब अवलिया लोग, साधु लोग, ये सब क्या बेकार की बातें कर गए। इतने ज्यादा तो किसी भी देश में नहीं हुए, लेकिन हम लोगों पर उनका असर नहीं। और उससे एक और अजीब बात अब चल पड़ी है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत विद्वान और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो एक चौखट बना के उसी में सबको घुमाना चाहते हैं। इस देश में तो अनंत की बात कही गई है, उसको समझने के लिए ये बुद्धि बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है, समझ नहीं सकती। जो अनंत की बातें हमारे यहाँ कही गई, उसमें तो आपको उतरना पड़ता है सूक्ष्म में, आत्मा स्वरूप में। ऐसे महान देश में आपने जन्म लिया और आपके इस महान देश की और सारे संसार की दृष्टि है, और सब सोच रहे हैं कि न जाने यहाँ पर कैसे कैसे आध्यात्मिक गुण लोगों में होंगे, इसी उम्मीद में यहाँ आते हैं और सोचते हैं कि बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। सब दूर मैं सुनती हूँ यही बात, हिंदुस्तान को अगर किसी चीज़ में बहुत गर्व होना चाहिए तो वो हमारा अध्यात्म है। सारे दुनिया में पेड़ जैसे बढ़ गई है उनकी संस्कृति, उनका सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा ज्ञान जो है वो मूल का है। इस मूल को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तो ये पेड़ सारे गिर जाएंगे, और गिर ही रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और ये मूल अपने भारतवर्ष में, आपको अंग्रेज होने की कोई जरूरत नहीं, उसमें क्या है, उन लोग पास है क्या। हमारे पास इतनी महान शक्ति है, ज्ञान है, आप उसमें उतरिए और आप समझिए कि इस देश में आपका जन्म हुआ है वो कोई तो भी विशेष चीज है, और आप कोई विशेष हैं। उस विशेषता को समझें और अपनी इज्जत करें, अपनी ओर नजर करें, इसे प्राप्त करें, और ये सहज में आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी के लिए आप किताबें ले सकते हैं, इन लोगों से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत तो सामान तैयार कर लिया हमने, लेकिन कबीरदास जी ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मु रख भये, और मुझे बहुत ऐसे लोग मिल गए। इसलिए पढ़ने से पहले आप अनुभव लीजिए, जिस चीज में अनुभव नहीं है उसे पढ़ना क्या। अनुभवहीन बातचीत बातचीत ही रह जाती है।
शंकराचार्य ने इसे शब्द जालम कहा है कि इस शब्द जाल से मुझे निकालो, इस शब्द के जाल में मत फंसो। और यही बात आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं वो अपनी गौरव गाथा मुझसे न सुनिए सिर्फ, लेकिन उसे आप देखिए और जानिए और समझिए। मेरे लिए तो इससे बढ़ के और कोई सुख की चीज़ नहीं। आज देखती हूँ मेरे हजारों बच्चे हैं, इतने बढ़िया मेरे बेटे हैं बेटियां हैं। एक माँ के लिए यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब आप लोग ले लीजिए, सारी शक्तियाँ आप में प्रस्फुटित हो, आपसे बहे और दुनिया देखे, इससे ज़्यादा और एक माँ क्या चाहती। आशा है आप लोग मेरी बात को समझेंगे और आज ही सब लोग पार हो जाएंगे।